वेलकम टू क्लासेस डॉट विनीता चौहान डॉट कॉम। क्लासेस डॉट विनीता चौहान डॉट कॉम में फिर से आपका सभी स्टूडेंट्स का एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारे उस दिन क्वेश्चन होने से रह गए थे, तो अब हम जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी थी कि हमारी टेस्ट सीरीज़ है, तो टेस्ट सीरीज जो DSS दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन कि लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चन से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज़ है, तो हम आज से शुरुआत करते हैं उसको डिस्क्राइब करना। हमारा क्वेश्चन वन है, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणी में नहीं आता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि आपका थीसिस है, ये थीसिस जो हमारी हैं ये डॉक्टर की, अगर हमें किसी विषय पर रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें थीसिस लिखनी होती है, जिससे कि डॉक्टर की उपाधि हमें प्राप्त होती है। तो वो थीसिस है वो हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होती है, स्टैंडर्ड्स या जिनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक या मानक। तो ये मानक और प्रमाणक सरकार के द्वारा आविष्कारकर्ताओं या प्रोडक्शन करने वालों को दिया जाने वाला एक ऐसा प्रमाण है जो सरकार देती है 10 वर्ष के लिए। तो मानक तभी सरकार आपको देगी जबकि आपने उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग डिटेल सरकार को सम्मिलित की है, वो भी हमेशा हमारा प्राइमरी सोर्स होता है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग सम्मेलन कार्यवाही, जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है किसी भी विषय से संबंधित और उसमें जो विभिन्न व्यक्ति शामिल होते हैं और उनकी कार्यवाही होती है, वो भी हमेशा प्राइमरी सोर्स होती है। एंड एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिन्हें हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए ही देखते हैं, उन्हें शुरू से लेकर एंड तक पूरा नहीं पढ़ा जाता है। दैट्स व्हाई एनसाइक्लोपीडिया या संदर्भ ग्रंथ हमेशा सूचना के द्वितीयक या सेकेंडरी सोर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर टू, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक हैं। तो रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन हैं? चार्ल्स एमी कटर, ठीक है। एंथोनी पंजी है, एंथोनी पंजी ने पंजी कोड लिखा था, ठीक है। एस आर रंगनाथन का क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। तो हमारा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किसका है? चार्ल्स एमी कटर या जिन्हें हम बोलते हैं सी ए कटर, उन्होंने यह रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग लिखा था 1876 में, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे। क्वेश्चन नंबर तीन है, आरडीए का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? RDA की फुल फॉर्म नोट डाउन करिए, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। रिसोर्स यानी प्रलेख, डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, एक्सेशन एक्सेस मींस पहुंचना, यानी प्रलेखों के विवरण तक पहुंचना। मींस लाइब्रेरी में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड हैं तो कौन कौन से कलेक्टेड हैं उनके विवरण तक पहुंचना, ये RDA है। इसका प्रकाशन किया गया है 2010 में। और बच्चों, RDA जो है वो ACR2 का संशोधित या ट्रांसफॉर्म या रिवाइज्ड या रूपांतरित वर्जन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ACR2 का नवीनतम संस्करण या वर्तमान संस्करण या रिवाइज्ड जो एडिशन है, दैट इज RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। रिसोर्स जो लाइब्रेरी में है, डिस्क्रिप्शन उनका विवरण, उस तक पहुँचना एक्सेस, ये 2010 में पहली बार आया है। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हम सभी जानते हैं इफला, जिसका नाम 1800 जिसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1927 में, और इसके नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द और जोड़ा गया था 1976 में। तो ये 30 सितंबर 1927 को जो इसकी स्थापना हुई है, ये हुई थी नीदरलैंड की राजधानी हेग में। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड की राजधानी हेग में। जो बैठक हुई वो स्विट्जरलैंड में हुई, और इसका जो ऑफिस या मुख्यालय या हेड ऑफिस है, दैट इज सिचुएटेड इन नीदरलैंड के हेग में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर पाँच, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोतों के विभाजन में कौन नव परंपरागत प्रलेख है? तो पहले हमें ये जानना है, रंगनाथन ने सूचना के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो डॉक्टर रंगनाथन ने सूचना के स्रोतों को 4 भागों में बांटा है। पहला है परंपरागत या कन्वेंशनल, दूसरा है नव परंपरागत या नियो कन्वेंशनल,
तीसरा है अपरंपरागत या नॉन कन्वेंशनल, और चौथा है निरूपक या मेटा डॉक्यूमेंट। अब बच्चों प्रश्न है हमारा, कौन नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है? तो देखो, कन्वेंशनल जिनसे आप और हम सब परिचित होते हैं, चाहे वो हमारे कन्वेंशनल सॉन्ग हो या हमारे कन्वेंशनल त्यौहार हो, तो कन्वेंशनल जो परंपरागत है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए बुक्स से आप और हम सभी काफ़ी समय से परिचित हैं। पीरियोडिकल्स, हम सभी जानते हैं सामयिक प्रकाशन के बारे में। एटलस की स्पेलिंग गलत है बच्चों, इसको ठीक करनी है। एटलस हम सभी जानते हैं, एटलस बचपन में से और हमसे भी पहले से चले आ रहे एटलस। और स्टैंडर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि आविष्कारकर्ता, निर्माणकर्ता, इंडस्ट्रियलिस्ट को सरकार के दिया जाने वाला एक ऐसा सरकारी प्रलेख है मानक, जिससे कि जिस व्यक्ति ने इस मानक के लिए अप्लाई किया है उस आविष्कारकर्ता या उत्पादनकर्ता या उद्योगपति के अलावा उस आविष्कार पर अन्य किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं रह जाता है। तो मानक है जिससे आप या बहुत सारे लोग परिचित नहीं होते, दैट्स वाई मानक इज अ न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, या जिसको हम बोलेंगे मानक है आपका नव परंपरागत प्रलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 है बच्चों, प्रलेखों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों में किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, रंगनाथन ने प्रलेखों को कितने भागों में बांटा है? 4 में। अभी जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट। डेनिस रोगन ने प्रलेखों को 3 भागों में बांटा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हिंसन ने प्रलेखों को 2 भागों में बांटा था, प्राथमिक और द्वितीयक। ये प्रश्न बहुत आता है, आपका 4th यूनिट या रेफरेंस में से प्रलेखों के विभाजन का बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है हर बार। तो ये आपका इसमें आंसर आएगा आपका डेनिस ग्रोगन या ग्रोगन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, और प्रलेखों को प्राथमिक और द्वितीयक, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर डिस्क्राइब कर दिया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में किसने विभाजित किया है? आंसर इज हिंसन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऐसे प्रलेख जो नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें प्रकाशित सूचना पूर्व प्रकाशित नहीं हुई रहती है, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा बच्चों प्राइमरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि प्राथमिक प्रलेख वो प्रलेख हैं जिनमें नवीन ज्ञान, पहली बार सूचना, नई सूचना, ओरिजिनल सूचना, मौलिक सूचना दी जाती है, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट्स वाई प्राथमिक प्रलेख होगा इसका आंसर। ऐसे प्रलेख जो नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है वो है प्राथमिक प्रलेख। द्वितीयक प्रलेखों से में प्राथमिक प्रलेखों की सूचना को संशोधित, पुनर्संगठित, संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि सामान्य पाठकों की पहुंच आसानी से उन प्रलेखों तक हो सके। और तृतीय प्रलेख वो प्रलेख होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक सूचना स्रोतों तक पहुंचने का माध्यम है। तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा प्राथमिक प्रलेख। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, देखो बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का न्यूज़पेपर होते हैं प्राइमरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर में पहली बार बेसिक मौलिक सूचना प्रकाशित की जाती है। न्यूज़पेपर से बनती है आपकी जीके की बहुत सारी बुक, जैसे मूमल है या क्रोनोलॉजी है या और भी बहुत सारी आपकी जीके की बुक है, दैट इज़ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मूमल है या क्रोनोलॉजी है या कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, इन सब से संगठित और संकुचित करके सूचना को परोसा जाता है टेरिटरी या तृतीयक प्रलेख में, जैसे ईयर बुक। तो ईयर बुक है आपकी तृतीयक प्रलेख। अब आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देना है तो क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी जीके तैयार कर सकते हो? नहीं। क्या आप ईयर बुक से जीके तैयार कर सकते हो? नहीं। हमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या थोड़ी सी सूचना को बेसिक या विस्तृत रूप में जानना है तो हमें सेकेंडरी डॉक्यूमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। दैट्स वाई द आंसर इज द्वितीयक प्रलेख। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है? अब मैंने आपको बताया प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जिनमें पहली बार सूचना आती है। इंडेक्सेस, इंडेक्सेस कभी भी प्राथमिक सूचना स्रोत नहीं हो सकते। जब आप कुछ सूचना लिखोगे तभी तो उसकी अनुक्रमणी या इंडेक्स तैयार होगी, तो इंडेक्स हमेशा सेकेंडरी सोर्स, बिब्लियोग्राफी। आपने जब कोई किताब लिखी तभी तो ग्रंथ सूची होगी। बिब्लियोग्राफी कैसा है सूचना का? हमेशा बिब्लियोग्राफी सूचना का सेकेंडरी सोर्स। ईयर बुक, अभी अभी मैंने आपको बताया है ईयर बुक क्या है। ईयर बुक है सूचना का, हमेशा ईयर बुक है सूचना का तृतीयक स्रोत। एंड पेटेंट, पेटेंट है सूचना का प्राथमिक स्रोत। तो हमारा प्रश्न क्या है, कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है? आंसर होगा हमारा डी, पेटेंट। क्योंकि बच्चों पेटेंट जो है, पेटेंट है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकस्व, ये भी उद्योगपति या आविष्कारकर्ता को प्रदान किया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो आविष्कारकर्ता के द्वारा अपने आविष्कार की जानकारी सरकार को या पेटेंट ऑफिस को जमा कराने पर प्रदान किया जाता है। और वो जानकारी जो पेटेंट का आवेदनकर्ता दे रहा है पेटेंट ऑफिस में, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए, उसकी स्वयं की कोई भी प्रोडक्शन या आविष्कार उसका स्वयं का होना चाहिए। तो पेटेंट हमेशा सूचना का प्राथमिक स्रोत है, यह 20 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। 1970 से आप जानते हैं कि पेटेंट हम दे रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीयक सूचना स्रोतों की श्रेणी में नहीं आता है? द्वितीयक सूचना स्रोत जिनमें से प्राथमिक सूचना स्रोतों की सूचना को संक्षिप्त, सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें से हम देखते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या है? हमेशा जैसे मैंने आपको बताया, जब आप कुछ लिखोगे, कुछ हम कोई सूचना या प्रलेख को लिखेंगे तभी तो उसका इंडेक्स या उसकी सूचीकरण करेंगे, तो इंडेक्स हमेशा आपका सूचना का द्वितीयक स्रोत। बिब्लियोग्राफी हमेशा सूचना का द्वितीयक स्रोत। डिक्शनरी, संदर्भ ग्रंथ, चाहे वो डिक्शनरी है, वो एनसाइक्लोपीडिया है, वो हैंडबुक है, वो मैनुअल है, वो टेबल्स है, ऑल आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारा क्या बच गया, डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी है निर्देशिका, जैसे मान लीजिए आप टेलीफोन निर्देशिका, टेलीफोन की डायरेक्टरी है। बच्चों क्या आप टेलीफोन की डायरेक्टरी में, मान लीजिए हमने किसी डॉक्टर का नाम पता देखा, तो क्या नाम पता देखकर हमारी सूचना की आवश्यकता पूरी हो गई? नहीं, जब तक हम उस डॉक्टर से मिलेंगे नहीं, अपनी समस्या को बताएंगे नहीं, हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, तब तक तो हम सिर्फ डायरेक्टरी, तो क्या है, उस डॉक्टर तक पहुंचने का रास्ता। दैट्स व्हाई डायरेक्टरी इज टेरिटरी या तृतीयक सूचना का स्रोत है। तो द्वितीयक सूचना के स्रोतों में ये तीनों तो हैं, इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफी एंड डिक्शनरी, ऑल आर इन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है। तो डायरेक्टरी आएगी आपकी सूचना का द्वितीयक स्रोतों की श्रेणी में नहीं आता है। तो बच्चों इसी तरह से मैं आपको रोजाना क्वेश्चंस, ये इसी तरह आगे और है बट इट्स नॉट पॉसिबल, यहाँ पर रिकॉर्डिंग इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है 10 मिनट से ज़्यादा, तो मैं आपको रोजाना क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करवाती रहूँगी। आप इसके लिए जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन हैं हमारे 100 क्वेश्चन है इसमें लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए। आप इसके लिए classes.vinitachauhan.com हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और हमारा जो चैनल है इसमें जो हम ये वीडियो जो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। मैंने आपको इससे पहले दिखाया था मेरा जो कोर्स चल रहा था, ये टेस्ट सीरीज़ दिख रहे हैं आप, जो मैंने इससे पहले जो आपको दिखाया था, जो हमारा कोर्स चल रहा था वो था RSSB का। आज मैं आपको हमारा DSSB का कोर्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, हमारा DSSB के कोर्स में और RSSB या KVS NVS के कोर्स में क्या फ़र्क है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये KVS एंड NVS। देखिए बच्चों, हमारा KVS NVS में सबसे पहले देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हमने, फिर उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये PDF डॉक्यूमेंट्स, कोई ना कोई हमारे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो ऑफ पेपर 2,
ये देखिए आप वीडियो ऑफ पेपर टू। तो वीडियो ऑफ पेपर टू में मैंने जो पेपर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, उनको मैंने समझाया हुआ है। ये वीडियो ऑफ पेपर टू आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वीडियो ऑफ पेपर टू 35 मिनट का है, जिसमें कि हमने ये यूनिट टू का पेपर। नेक्स्ट प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? एस आर रंगनाथन। ये हमारा यूनिट टू का पेपर है बच्चों, ठीक है। और पहला क्या था? पहले ये दिल्ली देख पा रहे होंगे आप यहाँ से, ये हमारा यूनिट टू का पेपर। हाँ, सेमी कोलन से जुड़ा। ये जो भी है यूनिट टू का पेपर हमें बोर्ड पे समझाना होता है, दैट्स वाई इसका वीडियो मैंने सबसे पहले कहा, ठीक है। अब ये इसी तरह से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिया है। यूनिट वन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। आप देखिए नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, आपके कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स RSSB में नहीं है, जबकि आपके क्वेश्चन आता है, बट इसमें नहीं है। यहाँ पर मैंने देखिए आप ये नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग का PDF दिया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सूचीकरण के जो 9 आदर्शक सिद्धांत हैं, इनका कब कब किस किस में वो वर्णन किया गया है, वो सारे सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत दिए हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी, डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर ये आप देख रहे हैं यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट के बाद अगर हम आते हैं GK के नोट्स हैं। अब आप अगर हम आते हैं ये NVS के, कुछ मैंने NVS से रिलेटेड कुछ PDF थे वो डाले हुए हैं, बुक डाली हुई हैं, बुक पूरी की पूरी बुक, अगर मान लीजिए कोई ई बुक है तो वो मैंने सारी इसमें डाली हुई है। अब आप देखिए इसमें, अब हमारा जो आप देख रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा नोट्स एंड पेपर्स ये डाले हुए हैं हमने, एक्स्ट्रा नोट्स एंड पेपर्स, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा अगर आप आते हैं, जैसे यहाँ आप आकर देखिए ये एब्स्ट्रैक्टिंग, ये एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है, ये हमारा वीडियो डला हुआ है, इसमें एब्स्ट्रैक्टिंग का ये वीडियो है। ये वीडियो आप देखेंगे, ये वीडियो बनाया है मेघराज सर ने, KVS NVS में ये मेघराज सर का वीडियो है एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में, कि एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है, कितने प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन सी एब्स्ट्रैक्टिंग, जैसे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, या आपकी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, ये बताया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये एब्स्ट्रैक्टिंग है, ये ISO 2709 है, या एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ये इस तरीके से कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो ये कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैं आपको KVS NVS या DSSB भी खोल कर दिखाऊं, तो मैंने आपको जो दिखाया है ये KVS है, जैसे ये SLA और ITLS, ये NASA DOC का आपको दिख रहा है, लाइब्रेरी कमीशन कौन सी है, इंडेक्सिंग टेक्निक है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज़ एक्स्ट्रा, ये NASA DOC का वीडियो दिख रहा है आपको, ITLS का वीडियो दिख रहा है, SLA है, NIS है, InfliBNet है, NICNet है, NICNet है, DELNet है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा वीडियोज डाले हैं हमने KVS एंड NVS में। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको YouTube के माध्यम से ये टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं, इसको आप करिए। चलिए मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू।